Okay friends, today I want to explain you real number and their decimal expansion. So again, real number means what? Rational and irrational number. Already we have understand this in last two lectures. So today we want to explain now real number and their decimal expansion. So we will also explain how to visualize the representations of real number on number line, their decimal expansion. That is important for us. So we have three example given it here. 10 divided by 3, यहाँ पे तीन एग्जाम्पल दिया गया है. 10 divided by 3, 7 divided by 8, 1 divided by 7. So जब हम लोग उसको रियल नंबर को डेसिमल एक्सपेंशन में करेंगे तो उसका रिमाइंडर का टू टाइप ऑफ चांसेस रहता है. टू टाइप ऑफ चांसेस इफ यू विल सी नाउ. फर्स्ट 10 डिवाइडेड बाय 3, सो हियर इट शुड बी रिकरिंग बिकॉज वी नो दैट हम लोग को मालूम है कि रियल नंबर है वो रेशनल और इरेशनल से है. तो उसके अंदर रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग एंड टर्मी नेटिंग. सो हियर वी कैन से इट इज ए टर्मिनेटिंग. हम लोग यहाँ बता सकते हैं कि ये टर्मिनेटिंग है. क्यों टर्मिनेटिंग है? क्योंकि जिसका एंड है यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ गया? जीरो. रिमाइंडर इज जीरो. यहाँ पे रिमाइंडर क्या आया? रिमाइंडर इज वन. रिमाइंडर इज वन और वो वापस वन चालू हो जाए तो इट शुड बी रिकरिंग. मतलब 0.33 बार वी कैन से 3.33 बार. बार मतलब इट शुड बी रिपीटेड. यहाँ पे अगर देखेंगे 1 डिवाइडेड बाई 7 तो यहाँ पे आता है, लेकिन 1, 4, 2, 8, 7 अगेन हम ट्राई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1, 4, 2, 8, 5, 7. सो व्हाट वी हैव अंडरस्टैंडिंग, हम लोग को क्या पता चलता है इसके, अगर रियल नंबर के रेफरेंस में, रियल नंबर मीन्स रेशनल एंड इरेशनल, तो हम लोग उसको फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन में 10 बाई 3, 7 बाई 8, 1 बाई 7, 10 बाई 3 को जब हम डिवाइड करेंगे तो 3.3 बार बार बार. मतलब ये क्या हुआ? रिकरिंग नंबर. यहाँ पे आ गया रिकरिंग नंबर. और 7/8 डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाता है? टर्मिनेटिंग नंबर. यहाँ पे 1/8 से करेंगे तो ऑल्सो ए रिकरिंग नंबर. यहाँ पर रिकरिंग क्या है? 0.142857. सो रिमाइंडर जब डिवाइजर 3 है तो रिमाइंडर बिकम 111. यहाँ डिवाइजर 8 है, रिमाइंडर 0. डिवाइजर 7 में रिमाइंडर रिपीट हुआ 3, 2, 6, 4, 5, 1. सो दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस. थ्री थिंग्स वी हैव टू नोटिस, तीन एटलीस्ट थिंग्स नोटिस किया जाता है. फर्स्ट, रिमाइंडर बिकम जीरो आफ्टर सर्टेन स्टेज स्टार्ट रिपीटिंग देमसेल्व्स. रिमाइंडर आइदर बिकम जीरो आफ्टर स्टेज और स्टार्ट रिपीटिंग देमसेल्व. द नंबर एंट्रीज इन द रिपीटिंग स्ट्रिंग ऑफ रिमाइंडर इज लेस देन द डिवाइजर. थ्री से नीचे अगर जो हमारा रिमाइंडर है वो 3 से नीचे होगा, और 1 और 2. अगर 7 है, यहाँ पे 7 था डिवाइजर, तो रिमाइंडर होगा वो 2, 3, 6, 4, 5, 1. इफ द रिमाइंडर रिपीट वी गेट रिपीटेड ब्लॉक ऑफ डिजिट इन क्वेश्चन. इफ द रिमाइंडर रिपीट, जब भी रिपीट आता रहेगा हमारा, जैसे 10 बाई 3 में रिमाइंडर क्या आया? 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. तो इफ द रिमाइंडर रिपीट देन वी कैन गेट रिपीटेड ब्लॉक ऑफ डिजिट इन क्वेश्चन. सो रिमाइंडर जब जीरो आता है, केस नंबर फर्स्ट, रिमाइंडर्स बिकम जीरो, देन वी कैन से इट इज ए टर्मिनेटिंग. दो केस उसमें से आया हम लोग को. अगर इफ यू विल सी द अबव एग्जांपल, इफ यू विल सी अबव एग्जांपल, देन वी कैन सी दैट आइदर बिकम जीरो आता है या रिपीट आफ्टर सर्टेन स्टेज. तो ओनली कॉन्सेप्ट इज रिमाइंडर बिकम जीरो है तो वी कैन से टर्मिनेटिंग नंबर. 7/8 तो 0.857,
ये हमारा क्वेश्चन हो गया 1/2 0.5 639/250 तो 2.556 ये सब क्या है टर्मिनेटिंग. नाउ रिमाइंडर नेवर बिकेम टर्मिनेटिंग. रिमाइंडर नेवर बिकेम जीरो मतलब टर्मिनेटिंग मतलब वो जीरो नेवर जीरो नहीं है रिमाइंडर. अगर रिमाइंडर जीरो नहीं आता है तो क्या होगा तो के इट इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग. 10/3 है तो इसमें रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा. 1/7 है इसमें रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा. अगर रिमाइंडर जीरो है तो वी कैन से टर्मिनेटिंग. अगर रिमाइंडर जीरो नहीं है तो वी कैन से नॉन टर्मिनेटिंग. क्लियर. सो नॉन टर्मिनेटिंग विथ रिकरिंग. नॉन टर्मिनेटिंग विथ रिकरिंग. यहाँ पे 3 3 3 3 3 3 रिकर हो रहा है. यहाँ पर भी 1 4 2 5 7 वापिस 1 4 2 5 7 वापिस 1 4 2 5 7 मीन्स रियल नंबर के अंदर डेसिमल एक्सपांशन में आइधर जो हम रेशनल नंबर है उसमें दो है आइधर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग. टर्मिनेटिंग कब बोलेंगे जब रिमाइंडर क्या आ जाता है जीरो. रिमाइंडर बिकम जीरो वी कैन से टर्मिनेटिंग. रिमाइंडर अगर नॉट जीरो है रिमाइंडर नॉट इक्वल टू जीरो है तो क्या बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल. क्लियर. सो ये जो दो टॉपिक है दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस. सो क्वेश्चन ऐसा है सो दैट इज ए रेशनल नंबर ऐसे एग्जाम्पल है तो वी कैन से दैट 1 2 3 4 डेसिमल है उसको कन्वर्ट हम लोग करेंगे रेशनल नंबर में. ऐसा ही एक एग्जाम्पल है अभी जो टॉपिक है वो क्या है रेशनल नंबर का डेसिमल फॉर्म में से पी अपॉन क्यू फॉर्म. अगेन क्या टॉपिक है डेसिमल एक्सपांशन जो था उसमें से हम लोग करेंगे पी अपॉन क्यू फॉर्म. कैसे करेंगे तो फर्स्ट जो भी हमारा रहता है 0.333 बार तो 0.3 बार तो हम लोग पहले इसको लिखेंगे x इज इक्वल टू 0.33 बार. कितना डिजिट पे बार है एक डिजिट पे. सो बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड 10 से मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा 10x और 0.33 इंटू 10 करेंगे तो 3.3. सो यहाँ से ये मेथड नहीं लेने का है देयर इज वन अनदर मेथड. कैसे करेंगे 10x इज इक्वल टू हमारे पास आ गया अभी 10 से मल्टीपल किया फर्स्ट x इक्वेशन ऐसा था x इज इक्वल टू 0.333 10 से मल्टीपल करेंगे तो 3.3. अभी क्या करेंगे ये इक्वेशन 1 ये इक्वेशन 2 माइनस करने का 2 में से 1 इक्वेशन माइनस करने का. सो माइनस एक्स इज इक्वल टू ये इक्वेशन 2 है तो 0.33. सो यहाँ आ जाएगा 9x और यहाँ आ गया 3 therefore x इज इक्वल टू 1/3. सो अगेन क्या टॉपिक था डेसिमल एक्सपेंशन डेसिमल को p अपॉन q फॉर्म में कन्वर्ट करने का डेसिमल एक्सपेंशन को कन्वर्ट इनटू ए p अपॉन q फॉर्म. ये उसका एक एग्जांपल है कि x इज इक्वल टू 0.3 बार तो 3 ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2 क्यों बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 10 करने का. सो x इक्वल टू 0.33 सो 1 में से 2 को माइनस करेंगे तो 9x इक्वल टू 3 x इक्वल टू 1/3. ऐसा दूसरा भी एग्जांपल है वी कैन डू सेम एग्जांपल. नाउ हाउ मेनी बार्स आर देयर 2 बार्स आर देयर सो वी हैव टू मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 100. सो ये हमारा हुआ सेकंड इक्वेशन ये हुआ हमारा
सेकेंड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन क्या था यहाँ पे, ये दैट इज अवर फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारा है फर्स्ट इक्वेशन। क्या है फर्स्ट इक्वेशन, एक्स बार इज इक्वल टू 1.2727। सेकंड इक्वेशन मल्टीप्लाई बाई 10, तो ये सेकंड। अभी मैंने क्या सिखाया, सेकंड में से 1 को माइनस करने का, सो 100x इज इक्वल टू 1.127.27। अभी हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को लिखेंगे 1.27 और यहाँ पे x, अभी क्या करने का माइनस, सो हम लोग को यहाँ पे मिल जाएगा 99x इज इक्वल टू 126। क्लियर, सो 99x इक्वल टू 126, उसको डिवाइड करेंगे तो x इज इक्वल टू 126 अपॉन 99। अगर ये 3 से डिवाइड होता है तो 3 से डिवाइड करने का 43, यहाँ पे 43 से करेंगे 3 4 जा 3 2 जा, अगेन 3 से करेंगे 33, अगेन 3 से करेंगे 3 1 जा 3 4 जा, अगेन 3 से करेंगे 11। सो इफ यू विल सी दैट, कैंसलेशन करके 14 अपॉन 11, मतलब हमारा जो डेसिमल में से पी अपॉन क्यू फॉर एक्सपेंशन था वो सही था। सो यू हैव टू डू दिस इन होमवर्क एक्सरसाइज, दैट इज ए वन, ये एक्सरसाइज है, यस एक्सरसाइज 1.3, वी वांट टू डिस्कस अगेन डेसिमल, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से विच काइंड ऑफ एक्सपेंशन इट इज। इफ रिमाइंडर जीरो है, रिमाइंडर जीरो टर्मिनेटिंग, अगर रिमाइंडर नॉट इक्वल टू जीरो है तो रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। सो क्वेश्चन नंबर 1 यू हैव टू डू इन होमवर्क एंड क्वेश्चन नंबर 3 यू हैव टू डू इन होमवर्क। नाउ वन टॉपिक स्टिल लेफ्ट, दैट वी हैव टू फाइंड इरेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर। सो फर्स्ट ऑफ इफ यू विल डिवाइड 5 by 7, तो व्हाट यू विल गेट, इफ आई विल डिवाइड 50 by 7 देन व्हाट यू विल गेट 7, सो 0.77 is 49, अगेन 10 means we have get 0.71, so 0.71. now 9 divided by 11, if I have to write 90, 0.1, now I have to write 8 is 88, again to 20 1, so 0.81. नाउ 0.71 एंड 0.81 के बीच में हमको इरेशनल, इरेशनल मीन्स वॉट, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, जिसका एंड भी नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, तो दैट वी राइट फ्रॉम हियर 0. You will see I am writing how 0.72 0 7 2 0 0, again 7 2 1 2 3 0, and then 3 dot. So we can write infinite many number between two irrational number, we have to write any 3. What you have to write again, 5 divided by 7, that you have to write 0.71, 9 divided by 11, that we have to write 0.81, between them we have to write non-terminating, non-recurring, इसमें recurring भी होना नहीं चाहिए, that is why we can write that. Then last है classify rational, irrational,
Rational means root under root 23, we can say it is a irrational number. Under root 22, 25, that is answer is 15. So we can say rational. And rational numbers are again terminating. So here it is and. So we can say it is also a rational. Here it is repeating, recurring number. It is also a rational. Here it is irrational number. Why? Because of non-terminating, non-recurring. Non-terminating, non-recurring. So important concept related. This is the third lecture. So you have to go through this textbook and you have to complete this.